अरे बुड्ढा, ये सब जो तू खजाना देख रहा है ना, ये सब हमारा पूर्वजों का निशानी है। हे भैया, मतलब कि हमारे पूर्वज कमाल के थे ना। ओए चलो तो फिर यार, आज हम चलेंगे ड्रैगन के साथ खेलने के लिए। जल्दी से घर से निकलो ना यार। नाम है मेरा अली बाबा, काम है मेरा खजाना चुराना। पूर्वज इसको नहीं ले पाए, लेकिन मैं इधर से सब कुछ लूट लूंगा। और उधर होगी जैक्सी चैन, बस खेल रहे होंगे यार। अरे यार, मैं ऊपर जाओ नीचे जाओ, किधर ढूंढो इस चोर को। है यार, हमारा बेडरूम भी तोड़ दिया है और हमारा खजाना। और आगे मेरा बदला अब पूरा होगा यार। अब वक्त है चोरी का सामान कॉकरोच के घर में रख देने का। बोले तो इससे महायुद्ध शुरू होगा यार। ये गिकल। हे मुन्ना, क्या हो गया? ओए क्या है बात? नीचे पुलिस वाले आए हैं गिकल। ओए पुलिस, पुलिस को किसने बुलाया? हे भैया, शायद किसी पड़ोसी ने बुलाया होगा। चलो नीचे जाके देखते हैं। हे देखते हैं पुलिस अंकल को, हमारे घर की चोरी के बारे में पता चल चुका है गिकल। ओए कोई बात नहीं, चल पुलिस के साथ भी बात कर लेंगे, इससे यार चोर को पकड़ने में आसानी होगा। हाँ भैया आसानी होगा, लेकिन चलो हम तीन सिंगुलर प्लेन में आ जाते हैं, इससे चोर को पकड़ने में और आसानी होगा। ओए ठीक है, तो फिर चलो हम तीनों यार सिंगुलर प्लेन बन जाते हैं। हाँ तो चलो, अब सिंगुलर प्लेयर भी बन चुके हैं, अब चलो पुलिस के साथ मिलते हैं। हे पुलिस अंकल, घर के बाहर ही खड़े हैं गिजे अंकल। क्या रे, इस घर में कोई नहीं है क्या? हे आ चुके हैं हम। हेलो पुलिस सर। क्या रे बिल्ले, मैंने सुना तेरे घर में चोरी हुआ है। हाँ ओए, आपने बिल्कुल सही सुना है पुलिस सर। हाँ हमारे घर में चोरी हुआ है, पूरा सामान लूट के चले गए वो लोग। क्या रे, तुझे किसी में शक है तो बोल, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। हे शक तो किसी में भी नहीं है पुलिस सर, बस उन चोरों ने पूरा का पूरा यार घर का हुलिया ही बदल दिया था। ये सारा यार हमने जो इधर प्लांट वांट किया था, वो सब कुछ उन लोगों ने यार एकदम तोड़ फोड़ के रख दिया था। और मेन चीज, उन्होंने हमारा पूरा खजाना लूट लिया। मालूम क्यों है, वो चोर हमारा खजाना लूटने के साथ साथ हमारा घर भी तोड़ा फोड़ना चाहता था पुलिस सर। अरे यार, लगता है वो चोर के साथ तुम लोगों का पुरानी दुश्मनी भी थी। क्या रे बल्ले, तूने किसी के साथ ऊपर नीचे तो नहीं किए थे? ऊपर नीचे ऐसा किसी के साथ नहीं हुआ था पुलिस सर, बस ये हमारा पूर्वजों का खजाना था पुलिस सर। है पूर्वजों का खजाना? तुम फिकर मत करो बल्ले, मैं उन चोरों को पकड़ के इस गोल्डन सॉर्ड से मारूंगा। हर बल्ले, तेरा खजाना लेकर आने का जिम्मा मेरा हुआ। अरे यार, ये गोल्डन सॉर्ड से कैसे लेके आएंगे खजाना? है क्या बोला तू? अरे कुछ नहीं, बस यार मैं तो ये बोला था, गोल्डन सॉर्ड काम करेगा क्या? अरे बोलने करेगा, बराबर करेगा। हाँ हाँ करेगा, हमारे पास वैसे भी नेदराइट सॉर्ड है, फिर भी वो लोग हमारे घर पे घुस के चोरी किए यार पुलिस सर। क्या रे बोलने, तुझे मुझ पे भरोसा नहीं है क्या? ओए भरोसा तो पूरी है पुलिस सर, बस उन लोग को जल्दी पकड़ना। ये यार हमारा पूर्वजों का अमानत है, यहाँ पे वापस चाहिए पुलिस सर। अरे यार मैंने बोला ना, फिक्र मत करो, कल सुबह में फिर से आऊंगा, हर तब तक चोर का पता चल जाएगा। है बोले मेरे पे यकीन करो। यार यकीन करना तो बनता है पुलिस सर पे, है ना पुलिस सर? है ये बिल्कुल सही बोला। ओए अलादीन, तू गांव कब लौट के आया? ओए यार मैं तो कल सुबह ही आया था गांव लौट के। हे यार, गांव आने का कोई बचा अलादीन? वैसा कोई बात नहीं, मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट काम करना था, बस आ गया गांव। और यार मुझे पता चला कि तुम लोगों के घर में चोरी हुआ था, इसलिए मैंने पुलिस सर को फोन करके एकदम बुला लिया। ओए तो तू था पुलिस सर को फोन करने वाला? क्या रे, क्या हो गया तेरे को बोलना? पुलिस के आगे अपने पड़ोसी से ऐसे बात करता है? यार नहीं यार, मेरे पुलिस सर अपना जैक बिल्कुल सही है, अभी तो बस इनके घर में चोरी हुआ है ना, इसलिए थोड़ा सा मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हे अलादीन, तूने क्या बोला, मेरे भैया का मानसिक संतुलन खो गया है? क्या रे, तू भी शुरू हो गया नीला बल्ले। ऐसी कोई बात नहीं पुलिस अंकल, आप अभी जाइए, हम आपको कल सुबह मिलते हैं। ठीक है चलो, मैं अभी चलता हूँ। यार पुलिस सर बाय बाय, और उन चोरों को पकड़ के रहना। हाँ बस वो चोर मिल जाए। अरे यार होगी जैक, तुम लोग फिकर मत करो, जरूर मिल जाएगा वो चोर। हाँ ठीक है यार अलादीन, और सॉरी यार हमने तुझे गुस्से में कुछ ज्यादा ही बोल दिए। वह अलादीन कोई बात दिल में नहीं लेता, बस तुम लोग अभी सोच आओ यार, कल सुबह मिलते हैं।
हाँ ठीक है चल अलादीन, हर रात को कुछ हुआ तो बोल देना, डर मत जाना। ओए ठीक है अब जा, अब तो कुछ जाना ही बोल रहे हैं। लगता है कि हम ये चोर से डरते हैं क्या? हाँ अगर चोर मिलते तो ऐसे मरते मैं। अरे यार बस वो चोर मिल जाए भैया। ओए फिकर मत करो, कि हमारे पुलिस सर गए हैं ना चोर को पकड़ने के लिए। चल सो जाते हम और कल सुबह का इंतजार करते। हे बिल्कुल सही बोले जी कल्ले, कल सुबह का इंतजार करती ही। हे तो चलो। गुड मॉर्निंग जी किकल। ओए अभी गुड मॉर्निंग का वक्त है ये। ओए उस चोर को पकड़ना है। ओए चलो जल्दी से। क्या रे किधर जा रहे हो बिल्ले? हे पुलिस सर वो चोर मिले या फिर नहीं, अब तो उन चोरों को पकड़ना ही होगा जैसे भी करके। हे यार उन्होंने हमारे अपने पूर्वजों के अमानत को लूटा है पुलिस सर, उनको तो जैसे भी करके पकड़ना ही होगा ना। अरे यार बुल्ले तुम लोगों को मैंने क्या बोला था कल रात को? ओए कल रात की बात कही तेल ले रहे, अभी पुलिस सर हमारा रास्ता छोड़ दो, ओए हमें जाना है, कहीं वो चोर गांव छोड़ के दूर ना चले जाए। है चुप है तू बुल्ले, मेरे चोर को पकड़ लिया है, मुझे पता है चोर कौन है, बस अब तुम लोगों को कंफर्मेशन के लिए मेरे साथ चलना होगा। है आपको पता है चोर कौन है? है यार पुलिस सर एक बार बोलिए, उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। ओए कौन है पुलिस सर, कौन है चोर? यार चोर पकड़ लिए क्या पुलिस सर आपने? हाँ क्या सोचा तूने मैं चोर को पकड़ नहीं पाऊंगा क्या? सच में क्या आपको पता है चोर कौन है? हाँ मुझे पता है। है कौन है पुलिस सर? अरे सच में? हाँ यार सच में। ओए तो बोलो ना पुलिस सर वो चोर है कौन? क्या रे बोल रहा सुबह बोल रहा हूँ मेरे पीछे पीछे आओ। अरे मैं भी आता हूँ चलो। अरे यार ये सस्पेंस है, सस्पेंस क्रिएट करता जा रहा है। हे यार पुलिस सर बोलिए ना चोर कौन है? जल्दी से मेरे पीछे आओ, बोला ना आगे ही देखो वो है उस चोर का घर। ओए चोर का घर पीछे है? वो तो हमारे घर के पीछे है भाई, पीछे से भी जा सकते थे ना। ओए ये तो मेरा गड्डी है। अरे यार बिल्कुल तुम्हारी गड्डी है ना ये जैक द फौजी? हाँ ये तो भैया की गड्डी है। हाँ बिल्कुल भैया की गड्डी, लेकिन बिल्ले तेरा गड्डी इधर आया कैसे? ओए मुझे क्या पता उस चोरों ने इधर इस गड्डी को छोड़ दिया होगा। वही तो बिल्ले, और छोड़ा किसने पता है तेरे को? मुझे लगता है इन कॉकरोच गैंग की ये सब प्लान था तुम लोगों के घर में चोरी करने का। ओए मैं नहीं मानता कॉकरोच गैंग ने हमारे घर में चोरी किया होगा। है यार वही तो, क्या सबूत है? अरे बिल्ले सबूत तो इन गड्डी के फिंगरप्रिंट से मिल जाएगा। अरे यार अलादीन तू क्या कर रहा है ये? इस गड्डी के अंदर उन लोगों का फिंगरप्रिंट हो सकता था। वाह यार सॉरी पुलिस अंकल, बस ये पानी के अंदर गिर गया था इसीलिए मैंने बस बाहर निकाल दिया यार। ओए अलादीन इस गड्डी के अंदर फिंगरप्रिंट मिलते हमें चोर का, तूने ये क्या कर दिया? वाह यार सॉरी बोला ना यार। हे अलादीन तूने ये ठीक नहीं किया। वेरी सॉरी यार मैं तो बस इसको बाहर निकालना चाहता था। ठीक है क्या रे हमें तुझे इधर से जाना होगा रे, इधर अब हम ही चेकिंग करेंगे। अरे यार खराब रखा है इसने फिंगरप्रिंट वाली सबूत को बिठा दिया, लेकिन कोई बात नहीं बिल्ले, मुझे लगता है चोरी तो इन कॉकरोच गैंग ने ही किया होगा। इनके घर के पास से हमें ये गड्डी मिला है, इनके घर के अंदर जाके हम एक बार छानबीन करेंगे। ओए तो चलो ना पुलिस सर एक बार कॉकरोच गैंग को पूछ लेते हैं। हे लेकिन मुझे नहीं लगता कॉकरोच गैंग ने चोरी किया होगा। क्या रे चोरी के केस में ऐसा ही होता है, जिसमें कम शक होता है वही आखिर में चोरी करता है। हाँ कॉकरोच गैंग घर से बाहर निकलो, तुम्हारी घर में रेड होने वाली है। हर बल्ले तुम लोगों को भी एकदम सख्त होकर बात करना होगा। ठीक है पुलिस सर। यरवावा होगी। और पुलिस सर यरवावा तुम लोग हमारे घर में क्या कर रहे हो? ए यार हमारे घर में क्या तुम लोग ढूंढ रहे हो? ओए यार सब कुछ ढूंढो एक एक करके ढूंढो। ए यार तुम लोग हमारे किचन में क्या ढूंढ रहे हो? है चुप बैठ बोतल लबो, अभी हम एकदम एक मिशन में है। हमें यार तुम लोगों के घर के बाहर हमारे भैया की गड्डी मिली है। ये वाह गड्डी को अपने घर में पार्क करना चाहिए था ना, हमारे घर के साइड में क्यों पार्क करने का? ये तो लबे बिल्कुल सही बोल रहे बोटू। क्या रे कॉकरोच चुप बैठो तुम लोग, नहीं तो मारूंगा तो जाकर जेल के अंदर जाओगे तुम लोग। है यार बिल्ले तुम लोग अच्छे से सामान देखो, क्या इनमें से तुम्हारा कोई अमानत है क्या? अरे यार इनमें से तो कोई हमारा अमानत नहीं है। ओए कॉकरोचो हमें नहीं लगता तुम लोगों ने चोरी किया होगा, लेकिन फिर भी अगर कर दिया है तो बोल दो यार, तुम लोग जेल जाने से बच जाओगे, बस हमारे पूर्वजों का अमानत हमें लौटा दो। ए यार क्या बोल रहा है तू जैक, अपना मुंह संभाल के बात कर, नहीं तो इधर ही पटक के रख दूंगा तेरे को।
अरे कॉकरोच, तू पुलिस के सामने ज्यादा हेकड़े दिखा रहा है, अभी तुझे ले जाओ क्या जेल के हवा खाने में। बाबा लेकिन प्लीज सर, बिना किसी सबूत के ये लोग हमारे घर में विदाउट इन्फॉर्मेशन ऐसे रेड कैसे कर सकते है। कॉकरोच, इन लोगों को मैंने ऑर्डर दिया है, इन लोगों के घर में चोरी हुआ है और सख्त तुम लोगों के ऊपर जाता है। यार बिल्ले, एक एक छान मार और बार ये छटका होना हो, इन लोगों ने ऊपरी माल को छुपा के रखे होंगे। क्या रे कॉकरोचो, तुम लोगों ने ही चोरी किया है, अभी मान जाओ नहीं तो बाद में पता चला तो ऐसे मारूंगा घुस के। बाबा हमने चोरी नहीं किया, तुम लोग ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकते हो। चलो यार, चोरी नहीं किया है तो हमें अच्छे से कोऑपरेट करके हमें अपना सामान ढूंढने दो। डायमंड आर्मर, सिल्वर आर्मर, ये तो हमारे पूर्वजों का जाना जो हमने हमारे घर में रखे थे। ये तो डिटेल सेम टू सेम वही है। यार मतलब कि कॉकरोच गैंग ने चोरी किया है। यार बाबा क्या बोल रहे हो तुम लोग, एक ही जगह कर बस इन आर्मर्स को देख के हम पक्का कैसे कह सकते हो। हाँ ये बात भी है। यार कॉकरोच, मुझे पता चल गया कौन चोर है। यार बाबा क्या बोल रहे हो पुलिस सर, पहले केस खत्म। ये देख, ये रहा तेरा सामान। ओए ये सब तो हमारा है। हे हमारा बेड, हमारे डायमंड्स, हमारे ये सब तो हमारे कॉकरोच गैंग। अरे ये ले, चोरी करता है तेरी तो। ए पुलिस सर, हमने चोरी नहीं किया है। हे तो ये सब सामान तुम्हारे घर में कैसे मिला। यार बाबा हमें क्या पता, तुम लोगों ने रख दिया होगा हमें फंसाने के लिए। ए, हम फंसाने के लिए ऐसे करते हैं कॉकरोच गैंग, हमने तुम लोगों को भाई मीन माने थे, तुम लोगों ने हमें ही धोखा दिया। धोखा तो तुम लोगों ने हमें दिया है, पुलिस को बुला के हमारे घर में रेड करवा के हमें फंसवाना चाहते हो। क्या बोल रहा है, ओए इससे बात क्या कर रहा है, इसको बार ओए। है बोले पुलिस के सामने मारने का बात करता है और उस अमानत को भी मत छूना, वो सब हम बाद में फिर से एकदम एविडेंस के साथ लेकर जाएंगे और तुम्हें ये सब मिल जाएगा। अभी चलो नीचे, अभी बार ये इन कॉकरोच को जेल का हवा खाने के लिए ले जाना है। ए यार बिल्ले गैंग, तुम लोगों ने ये ठीक नहीं किया। ओए ठीक तो तूने नहीं किया, ओए तुझे ऐसे मारूंगा ना मैं। हाँ मैंने बोला ना तुम लोगों को, बोले अपने कानून को हाथ में मत लो और मेरे पीछे पीछे आ जाए, हम जेल जाना है। ये ले क्या रे, तुम लोग फिर से लड़ाई कर रहे हो ऊपर। ये बाबा जितना मार रहा है मार रहे बिल्ले, एक बार जेल से आ रहे थे तेरे घर को मैं जिंदा जला डालूंगा। ए बिल्कुल सही, और तुम लोगों को भी। क्या रे अभी भी धमकी दे रहा है, नीचे चल जल्दी से। मैं तुझे सच में चोरी कर रही है, नीचे चल तू। ओए चोरी और ऊपर से सीधा चोरी, ये ले। पहले बोला ना मेरे कानून को हाथ में मत ले, नीचे चल नीचे। किधर ये कॉकरोच। ये रे बिल्ले गैंग, आखिरकार तुम लोगों ने अपना असली रूप दिखाई दिए। चुप भर तू कॉकरोच, मुझे तंग करते थे तुम लोग, होता तक तो ठीक था, लेकिन तुम लोगों ने हमारे पूर्वजों का अमानत का चोरी किया। ओए लोगों को इतना सजा मिलना चाहिए कि तुम लोग कभी नहीं भूलो। ओए एक बार जेल से आ जा, उसके बाद तुझे और सजा मिलेगा। क्या रे मैंने बोला ना चुप बैठे को, है अब तुम लोग अपने घर जाओ बल्ले, मैं इसको लेकर पुलिस स्टेशन चलता हूँ। चल चल कॉकरोच, जेल की हवा खाने के लिए चल। ये बाबा हमको लौट के आने दे बल्ले। ओए आले आले, एक बार आया तो फिर से इतना भारूगा कि कभी नहीं भूलेगा तू। हे तुम लोग कौन, नहीं छोड़ेंगे कॉकरोच गैंग। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कॉकरोच गैंग ऐसे करेंगे। मीनवाइल अंकल जैक अंकल तो चलिए, अब उनको जेल की हवा से एकदम बराबर सबक मिलेगा। हम चलते हैं अपने घर तक। है हमारे घर आगे जैक अंकल। है हमारे घर में आग। ओए हमारे घर में आग लगा है। ओए चल जल्दी से। ओए ये कैसे हुआ। हे भैया कल रात आपने गैस खुला छोड़ दिया था क्या। ओए भूल गया तू, कल रात क्या हुआ था। हम सीधे घर आए थे तो चोरी हुआ था, तब तो हम सीधा पुलिस के साथ बात करके सो लिए ना। हाँ ये बात भी है, लेकिन घर पे इतने सारे आग लगा है। ये कोई गैस वेस की आग नहीं, किसी ने जानबूझ के मेरे घर में आग लगाई है। हाँ यार पूरे घर में आग लगा है और हमारे घर में भी। ओए यार घर के देख हर एक जगह में, और इधर साइड में ट्री हाउस में भी लगा है। ओए देखो, ओए हमारे ये स्विमिंग पूल में भी लगा है और हमारे पिकनिक एरिया में गार्डन में सब कुछ जगह में आग लग चुका है। भैया यार किसी ने तो लगाया है ये आग। ओए ओगी ये कौन हो सकता है। अंकल मुझे लगता है ये आग किसी ने बदला लेने के लिए लगाया है, ये पूरे बदले की आग जैसे लग रहा है। हाँ यार हमारे घर में चोरी, और भैया यार चोरी करने वाले तो जेल में चले गए यानी कि कॉकरोच गैंग, फिर आग किसने लगाया। ओए ओगी वो कॉकरोच गैंग बोल रहे थे वो लोग चोर नहीं है, और यार वो लोग चोरी भी क्यों करेंगे, उन लोगों को तो हमने घर दिया था ना।
ओए ओगी हो रहा हो, चोर कोई और है। हाँ भैया मुझे भी ऐसा ही लगता है, कॉकरोच गैंग बेकसूर थे भैया। ओए वही तो ओगी, और यार हमारे घर में किसी और ने आग लगा दिया, मतलब कि कोई हमारे साथ बदला ले रहा है। लेकिन कौन भैया कौन?